हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। हमारा पूरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी मॉडल पे बेस्ड है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके भी ड्रॉबैक्स है नो डाउट, पर इस मॉडल को हम कंसिडर करके हमारा इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट करेंगे। वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बेसिकली बोर्स ने क्या किया, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई किया, जो जो उसके ड्रॉबैक्स निकाल दिए, मॉडिफाई किया, थोड़ा क्वांटम फिजिक्स को ध्यान में रखे। ओके, तीन पोस्टुलेट में बताऊंगा अबाउट बोर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। देखो बहुत ये लोग ने ना शब्दों में हाइड्रोजन एटम को ही स्टडी किया, उठ सूट सब जो भी आता था सब हाइड्रोजन एटम को ही स्टडी करते थे। तो जो मैं बार बार स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं वो हाइड्रोजन एटम का निकाल रहा हूं, आप देख रहे हो। तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। सबसे पहले तो बोर्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, और उसको जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपेटल फोर्स का तो नहीं होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स हो चाहिए गोल घूमने के लिए, वो सेंट्रीपेटल फोर्स कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन खुद तो नहीं बनाएगा, खुद से थोड़ी घूमना चालू करेगा। एक होता है खुद से घूमना और एक होता है घुमाना। इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं घूम रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है अपने अराउंड, क्योंकि बोलते चल घूमा अपने अराउंड। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने अराउंड घुमा रहा है। तो घुमाने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए वो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो गारंटेडली देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चा, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला mv² / r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0q1q2/r² कूलम्स लॉ से। अभी q1 q2 के बदले इलेक्ट्रॉन का चार्ज e, प्रोटॉन का चार्ज भी e, अभी माइनस नहीं लिखता हूं मैं, तो e into e e square हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा mv² / r, 1/4πε0e² / r², बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, इजी। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, एंड दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, मैंने पहले ही बोला ये लोग सब हाइड्रोजन को स्टडी करते थे, तो ज्यादा इधर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। हाँ, पर हम जब डेरिवेशन करेंगे तो एक जनरलाइज चीज इंट्रोड्यूस करने वाले, अभी नहीं करते, अभी सिर्फ हाइड्रोजन को स्टडी करते जो बोर्स ने किया हुआ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज ये, फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, कम ऑन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। याद है ये पहले भी हमने देखा था, पहले भी हमने इसको बताया कि जब एटम मॉलिक्यूल चालू होगा तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा लॉ क्या है। एंगुलर मोमेंटम, ये जो इलेक्ट्रॉन ना, इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो घूम रहे हैं तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम है, वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, खुद के अराउंड घूमेगा तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। याद है मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है, खुद के अराउंड भी घूमता है, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ओके, जो एंगुलर मोमेंटम ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ओके, वो उसका स्टेशनरी ऑर्बिट है, वो उसकी खुद की ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट में वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा क्योंकि उसमें ये उसका कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई है। इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, हर इलेक्ट्रॉन की उसकी खुद की फिक्स ऑर्बिट रहती है डिपेंडिंग अपॉन इट स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए।
अगर नहीं करेगा तो नो डाउट कि वो एनर्जी एमिट करेगा, स्पाइरल पार्ट करेगा, न्यूक्लियस में करेगा, जो भी रदरफोर्ड है वो शायद वो हो जाएगा, बट जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था वो यहां पे रिमूव करने का कोशिश किया बोर्स ने, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक रिमूव करने की कोशिश किया कि भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्यों नहीं एमिट करते। इलेक्ट्रॉन ड्रॉबैक में क्या पढ़ा था भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है तो एनर्जी एमिट करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो बोर्स बोल रहा है ऐसे नहीं हो रहा है क्योंकि वो खुद के ऑर्बिट में घूम रहा है, खुद के ऑर्बिट में ऐसा नहीं करेगा, किसी और के ऑर्बिट में करेगा, दूसरे ऑर्बिट में करेगा, खुद के ऑर्बिट में नहीं करेगा क्योंकि वहां पे एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू। लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया और बोर्स को पूछा भाई ऐसे मतलब क्या है ये, व्हाट इज ऑल दिस थिंग, तो बोर्स ने भी इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, ये बोर्स का ड्रॉबैक है, प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, ये बोर्स का ड्रॉबैक है, पर ये पोस्टुलेट बराबर है। इसको बाद में प्रूव किसने किया पता है, डी ब्रोगलीस ने, जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा और वो आंसर हमने नहीं किया, पर जेई नीट में अपन वो आंसर करते हैं कि उसने खुद के कॉन्सेप्ट से, खुद के हाइपोथेसिस से इस सेकेंड पोस्टुलेट को प्रूव किया। बहुत मजेदार चीज है, ठीक है, पर बोर्ड्स में हम नहीं पढ़ रहे, पर सीईटी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एंट्रेंस के लेक्चर में पढ़ेंगे। So come on, angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. Angular momentum का formula क्या है? mvr is equal to nh by 2 pi. तो ये Bohr's का second postulate हो गया। और third postulate, electron emit energy only when it jumps from higher orbit to lower orbit. अभी तो उसने बता भी दिया कि electron energy कब emit करेगा। Electron emits energy only when it jumps from higher orbit to lower orbit. ओके, इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई कर देते हैं, बाद में पहले स्टेटमेंट समझ लो। इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट कितना? ओके, कभी करेगा, कितना करेगा, कितना कैसे करेगा? ट्रिपल के ट्रिपल के ट्रिपल के कभी करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कब करेगा? व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ओके, चलो पहले का आंसर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करेगा ना, तभी वो एनर्जी एमिट करेगा। कितना करेगा? जितना ये दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस रहेगा उतना करेगा। सपोज ये एंथ ऑर्बिट है, ये पिथ ऑर्बिट है, चलो ये एंथ ऑर्बिट मतलब हायर ऑर्बिट, पिथ ऑर्बिट इज लोअर ऑर्बिट, एंथ ऑर्बिट इज हायर और पिथ इज लोअर, तो वेट जस्ट फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इन दोनों के एनर्जी में जो डिफरेंस रहेगा उतना एमिट करेगा। मतलब तुम लोग के एग्जांपल के लिए, मुझे सब वैल्यूज पता है, माइनस 13.6 है, माइनस 3.4 है, पर अपन बाद में डिराइव करेंगे। तुम लोग को समझने के लिए बोल रहा हूँ, सपोज ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी एनर्जी, इसकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल बच्चों, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इधर से इधर जंप करेगा तो कितना एमिट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 और ये 7, 7 माइनस 5 कितना 2, तो जितना दो ऑर्बिट के एनर्जी में डिफरेंस रहेगा ना, उतनी एनर्जी वो एमिट करेगा। कैसे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ओके, डिस्क्रीट मैनर में करेगा, मतलब ये जो एनर्जी एमिट करने वाला है वो फोटॉन्स के फॉर्म में, मतलब एच न्यू ऐसा लगा सकते हैं, यस और नो? तो ये बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट का फॉर्मूला हो गया, समझा? इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, पहला बात, इलेक्ट्रॉन्स एमिट खुद के ऑर्बिट में एनर्जी एमिट करेगा क्या? नहीं, खुद के ऑर्बिट में एनर्जी एमिट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। बट व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट वो एनर्जी एमिट करेगा, और जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो कितना करेगा? जितना दोनों के ऑर्बिट के एनर्जी में डिफरेंस है उतना करेगा, प्लस इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बंडल, डिस्क्रीट मैनर में करेगा। तो फॉर्मूला बना है an - ep = h। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दो, मेरे को अभी रहा नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा करेक्ट कर दो। इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जंप नहीं करता, अपने को उसको हायर ऑर्बिट भेजना पड़ेगा, मतलब वो अपने खुद के ऑर्बिट में मस्त घूम रहा है, 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 कि वो है, वो क्यों कूड़ी मारेगा ना लोअर? पहले तो तुमको उसको एनर्जी देना पड़ेगा, इसको तो एनर्जी देगा ना, तो वो अपने ऊपर वाले ऑर्बिट पे चला जाएगा, एनर्जी मिला ऊपर वाले ऑर्बिट पे चला गया,
और ऊपर वाले ऑर्बिट में ज्यादा रुकता नहीं है, नैनो सेकंड में, 10^-9 सेकंड में। जैसे ही इसको मैंने एनर्जी दिया, देखो ये ब्लू वाला दिख रहा है, इसको मैंने एनर्जी दिया, जैसे मैंने इसको एनर्जी दिया उसको एनर्जी मिली, वो ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया। ऐसे जैसे ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है उसको पता चलता है अपना एंगुलर मोमेंटम ये मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये दूसरे की ऑर्बिट है, अपना एंगुलर मोमेंटम मैच नहीं कर रहा है, तो फटाक से अपनी जगह पे वापस आ जाता है, तो फटाक से अपनी जगह पे वापस आता है, तभी वो एनर्जी एमिट करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अपने उसको ऊपर भेजना पड़ेगा पहले, मतलब मैंने उसको एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को, फिर वो ऊपर चला गया, जैसे ही ऊपर जाएगा वो दूसरे ऑर्बिट में चला गया, खुद के ऑर्बिट में मोस्ट स्टेबल था, पर जैसे ही दूसरे के ऑर्बिट में जाएगा ये कंडीशन उसका सेटिस्फाई नहीं होगा, वो 10^-9 सेकंड, नैनो सेकंड में बोल सकता हूं मैं, वो फटाक से अपनी जगह पे वापस आ जाता है, और तभी वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, एंड दैट एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। लेजर वीजर का कॉन्सेप्ट है ना, सब इस पर एक्सप्लेन कर सकते, पर अभी नहीं करना है इतना, ठीक है? पर तीन पॉसिबिलिटी लर्न कर दो, मस्त लेके दिमाग में फिट कर दो। आई होप यू अंडरस्टूड। तीनों का स्टेटमेंट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है, खुद के ओन वर्ड्स में लिखो चलेगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन है, इसके बाद सिर्फ डेरिवेशन है, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।